1999 में भारतीय फौज के जो जवान थे वो तो अपने बंकर्स खाली करके चोटियों से वापस नीचे लौट आए, लेकिन पाकिस्तान की फौज 1999 में नीचे नहीं आई। पाकिस्तान के फौजी उन्हीं बंकर्स में ऊपर रह गए जहां पर उन्होंने वादा किया था कि वो सर्दियों में लौट आएंगे। नतीजा ये हुआ कि भारत के कब्जे में जो चोटियां थी वो खाली हो गई और पाकिस्तान के कब्जे में जो चोटियां थी वहां पर पाकिस्तानी सैनिक और सेना बरकरार रही, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने भारतीय सेना के बहुत सारे बंकर्स पर कब्जा कर लिया। और ऐसे तमाम बंकर्स थे जो कि असल में भारतीय सेना के थे लेकिन उन पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। तोलोलिंग में भी ऐसे बहुत सारे बंकर्स थे। बाद में जब कारगिल का युद्ध हुआ उसके बाद एक एक करके भारतीय सेना ने उन तमाम चोटियों को वापस अपने कब्जे में लिया, उन तमाम बंकर्स को भी वापस अपने कब्जे में ले लिया, और अब उन बंकर्स में भारत के जवान ही बैठते हैं और वहां पहरा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही बंकर में लेकर जाएंगे जो कि 1999 में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान की फौज उसमें आकर बैठ गई थी। बाद में जब लड़ाई हुई ये बंकर असल में नष्ट हो गया था और बाद में अब इसे फिर से बनाया गया है, लेकिन अब इस पर भारत का कब्जा है। तो इस बंकर पर हम आपको आज लेकर चलेंगे और आप देखिए कि इस वक्त तोलोलिंग की चोटी पर क्या हो रहा है। हम इस वक्त कारगिल लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पॉइंट पर खड़े हैं। इस जगह को तोलोलिंग पहाड़ी कहते हैं और तोलोलिंग कारगिल लड़ाई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, भारत के लिए भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस जगह हम खड़े हैं उस जगह पाकिस्तानी हुआ करते थे। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही खास चीज दिखाने वाले हैं। 15 साल बाद वो बंकर, जी हाँ, पाकिस्तान का वो बंकर जो कि आज भी द्रास में मौजूद है, और वो बंकर क्या कहता है आइए देख लेते हैं। कृष्णमोहन, दरअसल राहुल, ये वो बंकर थे जो कि खाली पड़े हुए थे, भारतीय सेना के बंकर थे, लेकिन एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता था और सर्दियों में सारी फौज पाकिस्तान की और भारत की दोनों ही फौज नीचे चली जाती थी। लेकिन 1999 और 1998 की सर्दियां और 1999 की गर्मियां शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने इन्हीं बंकरों पर कब्जा किया। ऐसे बहुत सारे बंकर थे, ये बंकर, इस बंकर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखें तो यहां से जो हाईवे है, जो हाईवे श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यानी जिस हाईवे को नेशनल वन अल्फा कहते हैं, उस हाईवे पर सीधे नजर रखी जा सकती है। देखिए बिल्कुल, और ये बंकर जरा देखिए भी आप, यहाँ से बिल्कुल सीधे निशाना जो बता रहे हैं कृष्णमोहन, बिल्कुल सीधे निशाना NH1 था वो सामने देखिए, और यहीं से पाकिस्तानी सैनिकों ने सीधे निशाना लिया हुआ था, टारगेट किया हुआ था। भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही थी ऊपर की तरफ आने का, और वो पॉइंट भी हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन वो ठीक सामने से बार बार कोशिश की जा रही थी आने की, हालांकि अब बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बन चुका है, लेकिन पहले ऐसे हालात नहीं होते थे, गांव थे, गांव के लोग यहां से छोड़कर जा चुके थे। पूरी कारगिल की लड़ाई में जितने अफसर और जवान शहीद हुए हैं उनमें से आधे सिर्फ तोलोलिंग की लड़ाई में शहीद हुए थे, इस पहाड़ी पर दोबारा कब्जा करने के लिए, जिस पहाड़ी पर जगह जगह इसी किस्म के बंकरों में पाकिस्तानी छुपे हुए थे, और इस पूरी कार्रवाई में लगभग एक महीने का समय लगा था। मेराजुद्दीन, ये बताइए कि आप तो यहीं पे मौजूद थे उस वक्त, क्या हुआ था उस समय? उस तरह लड़ाई हुई थी 99 में इंडिया और पाकिस्तान की, तो यहाँ मतलब पाकिस्तानी आए हुए थे, तो उस टाइम पाकिस्तानी आए थे तो हमें मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी, बाद में इंडिया आर्मी ने पाकिस्तानियों को पका दिया। ये जिस बंकर पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जहाँ कृष्णमोहन पैर रखे हुए हैं, उस समय ये पाकिस्तानियों के कब्जे में था? पाकिस्तानी के कब्जे में था सर, तो यहीं से गोलीबारी कर रहे थे, यहीं से गोलीबारी होती। दरअसल राहुल, यहाँ पर ये बंकरों का एक कॉम्प्लेक्स है, एक बंकर वो है, ये बंकर ज्यादा बड़ा है, शायद यहाँ पर उन्होंने मशीन गन लगाई होगी, उधर एक बंकर है जो कि 3 से 4 लोगों के लिए शेल्टर दे सकता है, वो बंकर थोड़ा छोटा है, शायद यहाँ 2 से 3 लोग रहे होंगे। लेकिन तोलोलिंग की पूरी पहाड़ी में इसी तरह के बंकर्स थे, और इस सीधी चढ़ाई को पार करके उन बंकरों को खाली कराना सबसे मुश्किल काम था। तोलोलिंग पर जब कब्जा हुआ था तो टॉप कमांडर्स ने ये कहा था कि तोलोलिंग ने दरअसल सीधे हमारी गर्दन दबाई हुई थी और आज वो दबाव खत्म हो गया। देखिए स्ट्रेटेजी भी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी पाकिस्तान की, स्ट्रेटेजी साफ तौर पर थी कि कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। एक उस तरफ देखिए बंकर था, यानी अगर उस तरफ से कोई चढ़ने की कोशिश करे तो वहां से फायर होगा, एक बिल्कुल ठीक सामने रखा हुआ था, यहां से अगर सीधे से कोई चढ़ना चाहे तो गोली चलेगी, और एक इस तरफ भी रखा हुआ था, ये देखिए एक तीसरा बंकर है जो कि ठीक सामने की तरफ निशाना लिए हुए था, यानी इस तरफ इस आने का भारतीय सेना के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी विकल्प नहीं था, जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ते थे गोली चलती थी और जवान शहीद हो रहे थे। लेकिन राहुल,
जिस वक्त टोलो लिंक पर फाइनल असॉल्ट के बारे में सोचा गया, यानी 12 और 13 जून की दरमियानी रात, उससे पहले आसपास के जो फीचर्स हैं वहां पर उनकी ड्राई रन किया गया, वहां पर उनका रिहर्सल किया गया, और सबसे फिट जवान और अफसर इस जो 12 और 13 जून की रात की चढ़ाई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और उस पूरे हाईवे पर बोफोर्स और पिनाका रॉकेट लॉन्चर इन दोनों पर लगाया गया था, और उन्होंने जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया था। जिन लोगों ने उस बम्बारी को देखा है उन्होंने, उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा का पूरा तोलोलिंग उड़ाकर ही मानेंगे। चलिए तो हम उस जगह आपको फिर बता रहे हैं, उस जगह लेकर के हम आए हैं जहां अभी तक कोई आया नहीं था। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी, हम कोई अपनी पीठ थपथपाना नहीं चाहते कि हम यहाँ तक आ गए। हमारी कोशिश ये थी कि 15 साल बाद आपको कम से कम वो जगह तो दिखा सकें जहाँ तक पाकिस्तान पहुँचे थे, पाकिस्तानी पहुँचे थे, वो बंकर दिखा सकें जहाँ से उन्होंने गोलीबारी शुरू की थी और भारतीय सेना के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। तो ये तीनों बंकर हैं, भारतीय सेना के कब्जे में अब ये तीनों बंकर, लेकिन 1999 में ये पाकिस्तान के कब्जे में थे। करगिल की ये कही जा सकती है एक निशानी है जो कि भारतीय सेना ने यहाँ पर छोड़ी हुई है, शायद पाकिस्तान को ये बताने के लिए भी कि अगर आओगे तो हाल इन्हीं बंकरों की तरह करेंगे। बिल्कुल, ये बर्बाद बंकर निशानी है पाकिस्तान की हार की और भारतीय सैनिकों के उस जज्बे की कि जब उन्होंने इन सीधी ढलानों पर चढ़ते हुए न तो मौसम की परवाह की और न ही ऊपर से बरसती हुई गोलियों की, जो कि इसी किस्म के बंकरों में बैठे हुए पाकिस्तानी सैनिक लगातार बरसा रहे थे। राहुल, एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा कि 12 और 13 जून की दरमियानी रात यहां पर कई यूनिट्स ने साथ साथ हमला किया था, हर यूनिट की अपनी एक अलग वॉर क्राई होती है, तो ये जगह राजा रामचंद्र की जय जैसे नारों से भी गूंज रही थी और वहीं बोल नारा महमदी अल्लाह अकबर से भी गूंज रही थी, क्योंकि ग्रेनेडियर्स की एक मुस्लिम कंपनी थी उसने भी यहाँ पर अटैक किया था। चलिए, अटैक किया था और पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जा करके अब छोड़ दिया है, और अब पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना यहाँ पर तैनात है। हालांकि सीज फायर वायलेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। द्रास से अपने सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। अब आपको एक ऐसे पॉइंट के बारे में बताते हैं जो कि आप सब ने शायद जरूर सुना होगा उसके बारे में, और उसका नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल की जो लड़ाई थी वो सबसे भयंकर लड़ाइयों में से थी। इस सेक्टर में जो टाइगर हिल है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि वो पहले आप देख लीजिए वो क्या टाइगर हिल है। इसकी ऊंचाई करीब 17,500 फीट है। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन ने टाइगर हिल पर अपना कब्जा जमा लिया था। टाइगर हिल से आप सीधे नेशनल हाईवे 1 अल्फा को देख सकते हैं। ये वही हाईवे है जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और हमारी सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है। और टाइगर हिल पर दुश्मन के कब्जे का मतलब ये था कि जब तक दुश्मन टाइगर हिल को खाली नहीं करेगा, भारतीय सेना के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। टाइगर हिल पर पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इसमें हमारी फौज को कई दिन लग गए और बड़ी मशक्कत के पास बाद टाइगर हिल में हमारी फौज पहुंची। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं कृष्णमोहन मिश्रा, जो कि इस टेरेन के एक्सपर्ट हैं, और कृष्णमोहन से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि टाइगर हिल का जो युद्ध था वो कैसे लड़ा गया था, क्योंकि वो कारगिल वॉर के सबसे बड़ी फाइट्स में से एक था। टाइगर हिल की लड़ाई इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि टाइगर हिल एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर इस पूरे इलाके में। द्रास सेक्टर में अगर आप घूमें तो आपको जहां से भी आप देखेंगे टाइगर हिल नजर आएगा, इतना प्रोमिनेंट फीचर है उसका। टाइगर हिल पर अगर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बैठी हुई है, दुश्मन का कोई भी आदमी है, तो वो बड़े आराम से नेशनल 1 अल्फा पर हर वक्त नजर रख सकता है और उसको निशाना बना सकता है। टाइगर हिल की लड़ाई में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा था कुल टोटल जो लड़ाई हुई थी, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए पहले नीचे से बिल्ट अप करना जरूरी था। आखिरी लड़ाई जो फाइनल असॉल्ट हम कह सकते हैं टाइगर हिल पर कब्जे के लिए, 3 जुलाई को शुरू हुआ था। 18 ग्रेनेडियर्स, जिसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला, उन्होंने पीछे से रास्ता काटकर, यानी उन जगहों पर जहां दुश्मन के होने की संभावना थी, खतरा था हमेशा, वहां से उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। 8वीं सिख बगल से यहां फर्म बेस बनाकर उनको सपोर्ट दे रही थी। 3 दिन तक ये लड़ाई चली और 3 दिन के बाद 6 जुलाई को भारतीय सेना का इस पर कब्जा हुआ। दुश्मन के लिए भी ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट थी इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हवलदार लालक जान, जो कि यहां पर इस लड़ाई में पाकिस्तान का हवलदार मारा गया था, उसको ही पाकिस्तान ने अपने आगे सर्वोच्च सैनिक सम्मान दिया। जी, तो टाइगर हिल के जो पीछे जो इतिहास है वो इतिहास ऐसा है कि अगर आप शायद अगर नहीं जानते होंगे तो आज आपको पता चला होगा कि टाइगर हिल की जो लड़ाई थी वो कितनी क्रिटिकल लड़ाई थी। और आगे भी हम अब जब दूसरे सेक्टर्स पर जाएंगे, जैसे एक टाइगर हिल हमने आपको बताया, दूसरा पॉइंट था तोलोलिंग हिल। ये दो ऐसी हिल्स थी जिन पर अगर भारतीय सेना ने उस वक्त कब्जा ना किया होता तो ये लड़ाई और भी लंबी चल सकती थी।
देशभक्ति यहाँ की हवा में फैली हुई है और अगर आप यहाँ मौजूद होते तो शायद इस बात को महसूस करते। इस तिरंगे की शान में कोई कमी ना रह जाए, ये तिरंगा नीचे ना झुक जाए, इसके लिए कारगिल युद्ध के दौरान हमारे 527 जवानों ने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए। ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के बाद ये भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध था, इसलिए भी इसका एक खास महत्व था। आज हम कारगिल युद्ध की निशानियों की खोज में निकले हैं। कारगिल युद्ध की कहानी अच्छी तरह से समझने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप कारगिल युद्ध का ABCD पहले समझें। कारगिल युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किन हालात में इस युद्ध को लड़ा गया था, कौन कौन से दबाव थे भारत के ऊपर, उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के संबंध चल रहे थे, सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहले आप देखिए कारगिल युद्ध की ABCD। ₹1999 में मई जून का महीना, LOC पर कारगिल के सुनसान पहाड़ियां बोफोर्स तोप से निकले गोलों से गूंज रही थी। सामने चोटियों पर दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा करके बैठा था और चुनौती ये थी सिर पर बैठे दुश्मन को खदेड़ा कैसे जाए। कारगिल के इन पहाड़ियों की पोस्ट दोनों सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में फिर जाया करती थी, लेकिन 1999 की गर्मियों से पहले ही पाकिस्तानी सेना LOC के पार कारगिल की पहाड़ियों पर घुसकर बैठ गई। पाकिस्तान का प्लान ये था कि आतंकवादियों की आड़ लेकर सेना को LOC के पार भेजो और अहम पोस्ट पर कब्जा कर लो। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। उन्नीस सौ 1999 के अप्रैल तक किसी को इस घुसपैठ की भनक नहीं थी। 3 मई को सबसे पहले कारगिल के कुछ गडरियों से पता लगा कि वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं। जब तक कुछ पता चलता, घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की छोटी बड़ी 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 19 मई तक यही कहा जाता रहा कि ये घुसपैठिए आतंकवादी है। मई के आखिरी हफ्ते में साफ हुआ कि ये घुसपैठिए नहीं, पाकिस्तान की फौज है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। ये गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल की पहाड़ियों पर परमानेंट कब्जे के इरादे से घुसी थी। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठे थे और उनकी नजर इंडस नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने की थी। भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने बोफोर्स तोप के साथ मोर्चा संभाल लिया। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हो गया। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। इन्फेंट्री को कवर देने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का भी फैसला हो गया, लेकिन आदेश था कि किसी भी कीमत पर LOC को पार नहीं करना है। एयरफोर्स के MiG-29 विमानों ने 16,000 से 18,000 फीट पर बैठे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर ध्वस्त कर दिया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन विजय के पहले 2-3 हफ्ते तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के इरादे फौलादी थे। दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और इन बंकर्स का अंधेरा और घुटन, यही है एक आम जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा वक्त अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। पूरा देश कारगिल में जान लड़ा रहे जवानों के साथ खड़ा था। तब के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कारगिल जाकर जवानों से मिले, उनसे बात की। कहाँ के हैं? सोनीपत सर। सोनीपत नहीं, मैं आसाम पूछ रहा।
आसाम हो या त्रिपुरा हो, कोई है पश्चिम बंगाल, बात कीजिए बात कीजिए, हाँ उड़ीसा, गुजरात का कोई। भारतीय जवान एक के बाद एक पोस्ट और बंकर पर कब्जा करते जा रहे थे। कारगिल में भारतीय जवानों का जोश आसमान पर था। 13 जून की सुबह भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली। तोलोलिंग पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। इस जून को द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी से सबसे ऊंची जगह 0.5140 पर तिरंगा लहराया। शहीद विक्रम बत्रा को सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 29 जून तक भारतीय सेना दो सबसे अहम पोस्ट पॉइंट 5060 और 0.5100 पर कब्जा कर चुकी थी। अब बस टाइगर हिल का अहम पोस्ट बाकी था। इस समय जहां मैं खड़ा हूं, यहां कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहां सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। टाइगर हिल में 11 घंटे की सीधी लड़ाई के बाद 4 जुलाई को तिरंगा लहराया। 5 जुलाई तक द्रास पर भारतीय सेना का कंट्रोल हो चुका था। भारतीय जवानों के शौर्य ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। पाकिस्तान पहले तो अपने फौजियों की लाशें कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियां और आई कार्ड साफ दिख रहे थे। झूठ बोलने वाले पाकिस्तान आखिरकार फौज को बिना शर्त कारगिल से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने बटालिक की अहम चौकियों पर फिर से कब्जा किया। 11 जुलाई से पाकिस्तान की फौज पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई को सेना ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि अब कारगिल में दुश्मन के निशान भी नहीं बचे। करीब 60 दिन तक चला ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की सबसे कठिन लड़ाई थी। भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए, 1363 जवान घायल हुए, 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। ये वो जवान थे जिन्होंने शहादत देकर देश की सीमा और सम्मान की रक्षा की। इन असली हीरोज को देश कभी नहीं भूलेगा। कारगिल का युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से ये कभी स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तानी फौज के लोग भारतीय सीमा में घुस आए थे या कारगिल युद्ध से उनका कोई लेना देना था। पाकिस्तान हमेशा से इस बात से इनकार करता रहा और भारत हमेशा से ये सबूत देता रहा कि जो लोग उस वक्त घुसपैठ करके यहाँ आए थे वो असल में पाकिस्तान के फौजी थे। कारगिल के युद्ध की कोई भी कहानी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि उसमें वायु सेना का जिक्र ना हो। भारतीय वायु सेना ने कारगिल के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी और वायु सेना ने जो एयर स्ट्राइक्स किए थे उससे भारतीय सेना को काफी मदद मिली थी। टाइगर हिल की बात हो, तोलोलिंग की बात हो या बटालिक की बात हो, जितने मजबूत बंकर्स थे वहां पर उन सभी को भारतीय वायु सेना ने अपनी एयर स्ट्राइक्स के जरिए नष्ट किया और उसके बाद भारतीय सेना वहां तक पहुंच पाई। ये जो MiG-21 आप देख रहे हैं ये उसी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है जिसने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था और इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन सफेद सागर। तो आज के लिए यहां से इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और विजय दिवस के मौके पर जी न्यूज पर कारगिल से कवरेज लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।